नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लिटरेरी टर्म्स एंड फिगर ऑफ स्पीच, जिसे लिटरेरी डिवाइसेज भी बोला जाता है, उसके 50 क्वेश्चंस। इसमें से दोस्तों मैंने सीटेट और अदर जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उनसे क्वेश्चन लिए हैं, और मैंने इसमें भरपूर कोशिश की है कि इजी से इजी वे में आपको ये समझाया जा सके भी लिटरेरी टर्म एंड फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और इनको डिटेल से मैंने एक्सप्लेनेशन भी किया है। और मुझे आशा भी है कि अगर आपने ये 50 क्वेश्चन देख लिए तो पूरा का पूरा टॉपिक आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि मेरा एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए अपन चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, और अंत में अपना स्कोर जरूर बताएं। अपना एक पास एक पेज रखें और उस पर आप 1 से लेकर 50 तक काउंटिंग में लिख लें उसको, और फिर अपने मेरे बताने से पहले आप अपना आंसर सोचें और उसमें लिखें, और लास्ट के कमेंट में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। तो दोस्तों अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट है, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द वैली ऑफ डेथ। वैली ऑफ डेथ के अंदर आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है दोस्तों। तो फिगर ऑफ स्पीच वैली ऑफ डेथ, डेथ की घाटी, यानी इसमें कंपैरिजन हो रहा है डेथ और घाटी का, यानी जो कोई एक घाटी है उसको डेथ बताया गया है। तो कंपैरिजन के लिए अपन ऑप्शन में देखते हैं मेटाफर सिमली। तो मेटाफर में कंपैरिजन होता है, सिमले में भी होता है, सिंडोक में कंपैरिजन नहीं होता। सिंडोक में पार्ट टू होल, होल टू पार्ट वाले जो वर्ड होते हैं वो बताते हैं। मेटोनमी भी कोई एक वर्ड होता है, जैसे द बेंच फॉर जजेज, यानी जजेज को बताने वाला बेंच। बूट्स फॉर सोल्जर, जैसे बूट्स वर्ड आ गया तो सोल्जर को बताता, तो मेटोनमी तो इसमें होगा नहीं, सिंडोक में भी नहीं होगा। पार्ट टू होल और होल टू पार्ट वाला बताता है, तो इनमें देखिए ये दोनों एक ही होते हैं, मेटाफर सिमली। बस फर्क क्या है कि सिमली के अंदर इन दोनों में अनकॉमन जो ऑब्जेक्ट्स की कंपैरिजन किया जाता है, सिमली के अंदर सिर्फ आपको एज, लाइक और एज एज वर्ड होता है तभी सिमली करना है, नहीं तो हमेशा मेटाफर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा दोस्तों, वैली ऑफ डेथ में मेटाफर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ, बिहार टेट का क्वेश्चन है दोस्तों। पेन है वो तलवार से ज्यादा शक्तिशाली होता है, ये किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन दोस्तों होता है विरोधाभासी, जो चीजें आ जाती है ऑपोजिट एक साथ आ जाते हैं तो उसके लिए यूज होता है, तो ऑक्सीमोरॉन इसमें नहीं होगा। मेटाफर, पेन और स्वॉर्ड को एक तुलना की गई है, लेकिन ऐसे नहीं बोला गया कि पेन तलवार है, पेन तलवार है होता तो मेटाफर होता, इसमें नहीं है। इसमें द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, ये पेन है ना, ये वैसे क्या है, शक्तिशाली होता है क्या पेन, सीधे एक पेन रख दो और एक तलवार रख दो तो तलवार ही शक्तिशाली होगी, लेकिन इसमें मीनिंग क्या बोला हुआ है, जो पेन है ये किसके लिए आया है। मेटोनमी में दोस्तों अदर वर्ड आ जाते हैं दूसरे वर्ड को डिफाइन करने के लिए, यहाँ पे पेन है वो स्कॉलर को डिफाइन कर रहा है, और स्वॉर्ड है यहाँ पे सोल्जर्स को डिफाइन कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। कोई वर्ड दूसरे वर्ड के लिए यूज होता है उसको कहते हैं मेटोनमी, तो सी नंबर इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा। रिटोरिकल क्या होता है, खुद ही प्रश्न पूछना और खुद ही उसका आंसर देना, वो होता है रिटोरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों थर्ड नंबर। विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन डू एंड डाई। डू एंड डाई में कौन सा लिटरेरी टर्म है, सी टेट का क्वेश्चन है दोस्तों। सोनेट, सोनेट तो होगा नहीं, 14 लाइन्स की पोइम होती है, लिरिकल पोइम नहीं है। एलिट्रेशन रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, तो डू एंड डाई में देखो डी और डी मिल रहा है ना, तो ये तो रिपीटेशन हो रहा है इसका। सिमली, सिमली में एज लाइक वाले जो वर्ड आ जाए और कंपैरिजन हो तो नहीं है यहाँ पे कोई कंपैरिजन। परसोनिफिकेशन, मानवीकरण, कोई जो सो निर्जीव चीज़ है उसका एक एज ए सजीव उसका यूज किया जाए तो उसको कहते हैं मानवीकरण, तो यहाँ पे किसी प्रकार का नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशंस आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो निर्जीव वस्तुएं हैं उन चीज़ों को आपको बिल्कुल सजीव की तरह यूज करना वो क्या कहलाता है, रीड का क्वेश्चन है। मेटाफर, सिमली, परसोनिफिकेशन, पिछले क्वेश्चन में बात हुई थी परसोनिफिकेशन, आंसर हो जाएगा सी। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इन ऑल क्रिएशन ड्रिंक्स एट मदर नेचर्स ब्रेस्ट। सारे जो क्रिएशन है, प्राणी है ना, वो पीते हैं मदर नेचर्स ब्रेस्ट, वो मां प्रकृति की ब्रेस्ट से पीते हैं, तो देख लीजिए आप मदर नेचर, नेचर का ब्रेस्ट, नेचर का ब्रेस्ट किसी ने देखा है, कभी नहीं देखा, तो इसमें क्या हो जाएगा,
पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। लिटरेशन आपको बता दिया कॉन्सोनेंट साउंड का, रिपीटेशन मेटोनमी बोल दिया आपको, किसी भी वर्ड का दूसरे वर्ड के रूप में यूज किया जाए उसको मेटोनमी कहते हैं, सिमिली एज लाइक वर्ड आ जाए और कंपेरिजन हो तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे नेचर का क्या किया गया है, मानवीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6 नंबर, द फ्रेज लाइक ए सैंडी ग्रोव इज सीटेड का क्वेश्चन है। वैसे ये दोस्तों पैसेज का क्वेश्चन है, पैसेज की कोई लाइन से ये उठाई गई है लाइन फ्रेज, लाइक ए सैंडी ग्रोव इज, लाइक वर्ड दिख जाए आपको तो आपको क्या मानना है कि सिमली, उसमें सिमली हो जाएगा लाइक एज जो वर्ड होते हैं उसमें। यहाँ पे कन्फर्म तो देखो ऐसे भी अगर पूरा ये होता ना अपने पास पैसेज, तो पैसेज से अपन को पूरा इसका कंफर्म कर सकते थे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो लाइक एज आ सकता है, लेकिन आपको सिमली के अंदर ऐसे ध्यान रखना है भी अनकॉमन चीज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि राम इज लाइक श्याम, राम श्याम के जैसा है, तो कभी लाइक को आपको सिमली नहीं करना है। वर्ड होते हैं जो कंपेरिजन करने वाले वो अनकॉमन होने चाहिए, दो अलग अलग होने चाहिए। ऐसे नहीं भी दो आप मानवों के अंदर ही तुलना कर रहे हो, ऐसे नहीं। ही इज लाइक ए रोज, उसका हो सकता है कि वो रोज की तरह, यानी वो रोज की तरह सुंदर है, इस तरीके से बनेगा, ये बात आप ध्यान रखना। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स। यूपी टेट का क्वेश्चन है दोस्तों, डेथ ने क्या किया, अपने ठंडे हाथ किंग्स पर रख दिए। डेथ लेज इज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स, डेथ रख सकती है क्या अपने हाथ, तो डेथ का क्या किया गया यहाँ पे, पर्सोनिफिकेशन किया गया मानवीकरण, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। मेटा पर आपको बताया दिया अभी तुलना होती है बिना एज और लाइक वर्ड के, अनकॉमन चीजों में होती है तुलना मेटा पर में भी। एपोस्ट्रोपी में क्या होता है, डेड और जो पर्सोनिफाइड चीज होती है उनको क्या होता है संबोधन किया जाता है, उसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी। और सिमली आपको पीछे अपने बार बार कर रहे हैं। और एक बात बता दूं दोस्तों आपको, अभी जितने क्वेश्चन देखोगे, मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए, इनके पास जो एग्जामिनर होते हैं कोई सा भी एग्जाम आप उठाओगे तो सिमली मेटा पर पर्सोनिफिकेशन तीन तो आपको हमेशा मिलेंगे, तो पक्का रट के जाना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन हंगरी हार्ट, सी टेट का क्वेश्चन है। आयरनी, आयरनी तो होता है दोस्तों किसी सिचुएशन में उल्टा बोलना, जैसे अपने घर पे मटका टूट गया तो मम्मी ने बोला शाबाश, तो वो क्या है उल्टा हो गया, तो आयरनी उसमें व्यंग्य हो गया, तो इसके लिए यहाँ पे व्यंग्य किसी प्रकार का नहीं है। हंगरी हार्ट में एलिट्रेशन देखिए, एच और एच साउंड मिल रहा है ना दोनों, तो जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेशन हो तो एलिट्रेशन हो जाता है। एसोनेंस में वाउल साउंड रिपीटेशन हो तो हो जाता है। सिमली आपको पता ही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका राइट। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द टीचर सेड हाउ नाइस व्हेन आई बिकेम लेट, द फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस। महाराष्ट्र टेट का क्वेश्चन है, पीछे अपन बात की थी कि टीचर ने बोला कितना अच्छा जब मैं लेट हो गया, तो बताओ क्या हो जाएगा, व्यंग्य किया ना, आयरनी किया, उल्टा बोले हैं, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मेटा पर हमने बात करी ली, अनकॉमन ऑब्जेक्ट जो विदाउट लाइक और एज अगर कंपेरिजन हो तो मेटाफर का यूज होता है। क्लाइमैक्स होता है कोई चीज़ को इंक्रीजिंग वे में चलना, उसको कहते हैं क्लाइमैक्स। और हाइपरबोल होता है अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा के कोई बात को बोलना, जैसे सी वेप्ट एंड द ओशियंस फिल्ड विद टीयर्स, कि जो समुद्र से उसके आंसू से समुद्र भर गया, तो ये हो गया अतिशयोक्ति। तो डी नंबर ऑप्शन में अतिशयोक्ति ये भी नहीं है इसमें, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, हाउ सून हैज टाइम द सटल थीप ऑफ यूथ स्टोलन ऑन हिज माई विंग माई 23rd and 20th year। टाइम है वो क्या है, थीप ऑफ यूथ, यूथ का चोर है वो युवावस्था का, और उसने मेरे 23 years चुरा लिए। तो आप देखिए इसमें टाइम को क्या किया गया, यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया, ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई यहाँ पे अतिशयोक्ति नजर नहीं आ रही, कोई व्यंग्य नजर नहीं आ रहा, कोई सिमली नजर नहीं आ रही, तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, हर मदर टू अपॉन दिस ओकेजन फेल्ट प्लीजिंग डिस्ट्रेस। यूपी टेट का क्वेश्चन है, इसमें बताना है आपको कि उसकी माँ ने भी उस अवसर पर एक खुशी देने वाला दुख महसूस किया। तो हमें आपको पहले ही बोला था कि दो अपोजिट वर्ड आ जाए एक ही चीज के अंदर, उसको कहते हैं ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभासी चीजें आ गई ना दोनों, प्लीजिंग और डिस्ट्रेस एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो ऑक्सीमोरॉन आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन, विरोधाभासी चीज। आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें
ऑक्सीमरोन में एक ही चीज के अंदर दो अपोजिट वर्ड आएंगे, और दो से ज्यादा अगर अपोजिट वर्ड आ जाए दो अलग अलग चीजों के अंदर एक ही सेंटेंस में, तो उसको क्या कहेंगे, एंटीथेसिस कहेंगे। तो यहाँ पे परसोनिफिकेशन, हाइपरबोल और सिमली नहीं है, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एंड योर टर्म्स रीच एज फार एज नाइट और डे, द पोएटिक डिवाइस फाउंड इन दीज वर्ड्स इज ए। इसमें देखिए आप, आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, एज एज आ गया दो बार, इसकी विजय है ना, विजय से तुलना की गई है नाइट और डे से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सिमली। 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये पंजाब टेट का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बोला है कि द विंड लाइज स्लीप इन द आर्म्स ऑफ द डन। विंड है ना, वो सो रही थी किस में, उस अकाल की भुजाओं में। तो देखिए विंड सो सकती है क्या, विंड का क्या किया गया यहाँ पे, मानवीकरण किया गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, परसोनिफिकेशन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन दे स्पार्कल लाइक द ओशियन वेव्स, वो क्या है, समुद्र के लहरों की तरह चमकते हैं। तो यहाँ पे लाइक वर्ड आ गया, तो हमें दिमाग में आ जाना चाहिए, तुलना भी हो रही है ना यहाँ पे, दे की तुलना किससे हो रही है, वो वेव्स से, कि उसकी तरह चमकते हैं, तो सिमली हो जाएगा। इसमें अगर हम ज़्यादा डीप जाएं तो अगर आप कहो कि सर हाइपरबोल क्यों नहीं, इसमें भी अतिशयोक्ति भी थोड़ी थोड़ी इसमें लग रही है, लेकिन ऑप्शन दोनों में देखो हाइपरबोल यहीं पर भी है, एग्जरेशन भी अतिशयोक्ति होता है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन यहाँ पे नहीं, दो ऑप्शन सेम हो गए ना, तो सी नंबर ऑप्शन, क्योंकि पहले नियरेस्ट वर्ड आ जाए अपने पास भी, वर्ड पड़ा है यहाँ पे लाइक, तो नियरेस्ट को अपन को सेलेक्ट करना होता है, तो सी नंबर ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अब करते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर, एन एग्जांपल ऑफ ए मेटाफर इज, हरियाणा टेट का क्वेश्चन है, इसमें एग्जांपल ढूंढना है मेटाफर का एग्जांपल। इफ़ यू रेस्ट अपॉन द ग्राउंड, अगर आप ग्राउंड पर रेस्ट करो तो नहीं है इसमें कोई प्रकार का, आई विल बिकम द ग्रास, मैं घास बन जाऊंगा, यानी आई की कंपेरिजन किस से हो रहा है, ग्रास से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बिटवीन द माइल्स, माइल्स के बीच में तो कोई है ही नहीं, आई वॉन्ट टू बी, मैं बनना चाहता हूँ, इसमें भी कुछ नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, 16 नंबर, ए पोएम दैट हैज 14 लाइन्स ईच यूजुअली कंटेनिंग 10 सिलेबल एंड ए फिक्स्ड पैटर्न ऑफ राइम इज नोन एज, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 14 लाइन वाली पोएम को कहते हैं सोनेट, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, रीड का क्वेश्चन था दोस्तों ये। नेक्स्ट करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज डज नॉट बिलोंग टू एन एलेजी। एलेजी क्या होता है, ए सैड पोएम होती है, मॉर्निंग पोएम होती है, इमोशनल पोएम होती है, जॉयफुल पोएम नहीं होती, तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसमें बोला भी कौन सा एलेजी से संबंध नहीं रखता, तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एलेजी क्या होता है, एक शोक गीत होता है, किसी की मृत्यु पे कोई पोएम डिवोट कर दी, सैड पोएम होती है, उसमें इमोशनल पोएम होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, और तीनों क्या एलेजी की क्वालिटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 18 नंबर, इन द सिबलिंग्स वर आ फुल माउथ विच फिगर ऑफ स्पीच इज देयर, कि जो भाई बहन है ना उनके भयानक मुंह थे, सी टेट का क्वेश्चन है दोस्तों, तो कंपेरिजन के लिए तो कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कंपेरिजन यहाँ पे नहीं है। ऑक्सीमोरोन में क्या होता है, एक ही चीज के लिए अपोजिट वर्ड एक साथ आ जाए उसको ऑक्सीमोरोन कहते हैं, तो यहाँ पे कोई अपोजिट वर्ड नहीं है। ट्रांसफर एपिथेट, ट्रांसफर एपिथेट, एपिथेट का अर्थ होता है दोस्तों एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ट्रांसफर कर दिया जाता है नाउन के आगे, उसका अर्थ बदल दिया जाता है, जैसे आ फुल माउथ, आ फुल यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है ना, भयानक मुंह, तो भयानक मुंह का अर्थ क्या लोगे आप, भयानक मुंह का अर्थ हो गया कि वो ज़्यादा खाते होंगे दोनों भाई बहन, जो भी भाई बहन है वो ज़्यादा खाते होंगे, तो इसलिए यहाँ पे इसको हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसे और ज़्यादा समझने के लिए मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ कि इट वाज ए नॉइजी रूम, अब नॉइजी रूम है, रूम खुद नॉइजी कभी नहीं हो सकता, यानी वहाँ पे क्या हो जाएगा, शोर शराबे वाला कमरा, यानी कोई वहाँ पे स्टूडेंट्स है या चाहे कोई और है वो क्या कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं वो ट्रांसफर एपिथेट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 19 नंबर, यू आस्क व्हाट इज आवर एम, आई कैन आंसर इन वन वर्ड विक्ट्री, तुम पूछोगे कि तुम्हारा क्या एम है, मैं आंसर एक वर्ड में दूंगा, विजय के लिए, विजय मेरा एम है। चर्चिल आस्क ए क्वेश्चन एंड देम गोज टू एन आंसर इट, सच ए क्वेश्चन इज, सी टेट का क्वेश्चन है दोस्तों,
कि चर्चिल खुद क्वेश्चन करता है और फिर खुद ही आंसर करता है, तो इसको क्या कहते हैं, रिटोरिकल कहते हैं। रिटोरिकल क्वेश्चन में खुद ही अपने क्वेश्चन कर लेते हैं और खुद ही उसका जवाब दे देते हैं, उसको कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 20 नंबर। द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन इन हेवंस हाई बावर, कि स्वर्ग के ऊंचे कुंज में, ये वैसे ये पैसेज का क्वेश्चन है सीटेट का, तो पैसेज में थोड़ी लाइन बड़ी होती है, चार पांच लाइनों से हमें थोड़ा ज़्यादा अंदाजा लग जाता है। इसमें क्या है, तुलना की गई है, तो सिमली से तो अनकॉमन चीज़ की तुलना यहाँ पे सिमली तो है नहीं, एज लाइक वर्ड है नहीं, लेकिन मेटा पर है, क्योंकि स्वर्ग के ऊंचे कुंज की तुलना की गई किसी चीज़ से, वो आपके पैसेज में था, यहाँ पे पूरा अपने पैसेज यहाँ पे डाल नहीं सकते, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 221। ब्रिंग आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द गिवन लाइंस, उत्तराखंड टेट का क्वेश्चन है। देन व्हाट जेम्स वुड बी सी परहैप्स ए ब्यूटीफुल हार्ट, कि वहाँ पे कौन से रत्न देखने को मिलेंगे, शायद सुंदर हृदय, तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल हार्ट है और जेम्स है इसकी कंपेरिजन किया गया है, तो हाइपरबोल यहाँ पे है नहीं, और मेटा पर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इसका राइट। एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरन में होता है अपोजिट वर्ड, जब दो या दो से अधिक चीज़ों के लिए आ जाए तो अपोजिट वर्ड उसको कहते हैं एंटीथेसिस, और ऑक्सीमोरन के किसको कहते हैं, एक ही चीज़ के लिए दो अपोजिट वर्ड आ जाए उसको ऑक्सीमोरन, तो यहाँ पे विरोधाभासी दोनों है नहीं, तो ये हो गए नहीं, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 22 करते हैं। योर आंसर्स आर परफेक्टली रॉन्ग, दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पीछे क्वेश्चन में अभी आया बताया था आपको, एच टेट में क्वेश्चन आया ये परफेक्टली रॉन्ग, कि तुम्हारा जो आंसर है ना वो परफेक्टली रॉन्ग है, अपोजिट वर्ड आ गए और आंसर मतलब एक ही चीज़ है, एक चीज़ के बारे में अपोजिट वर्ड आ जाए उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीमोरन कहेंगे उसको। 23 करते हैं। रेन रेसेज रिपिंग एंड रेस्टलेस इन इट्स रेज, दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रेन रेसेज रिपिंग आर आर बहुत बार आर आर एलिट्रेशन, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 24 आई एम सो हंगरी देट आई कुड ईट ए हॉर्स, मैं इतना हंगरी हूँ कि मैं घोड़ा खा सकता हूँ, कोई खा सकता है घोड़ा क्या, पी एस टेट का क्वेश्चन है पंजाब टेट, तो क्या हो जाएगा, एक अतिशयोक्ति नज़र नहीं आ रही आपको, कोई कंपेरिजन नहीं यहाँ पे, हाइपरबोल है यहाँ पे, अतिशयोक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात करना, तो बी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा, कोई विरोधाभासी चीज़ें नहीं है, किसी प्रकार का मानवीकरण नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 25 नंबर। हिज रूम वाज ए जंक पाइल, दिस सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ, पी एस टेट का क्वेश्चन है पंजाब टेट का, कि उसका रूम है ना कबाड़ का ढेर था, यानी कबाड़ के ढेर और रूम की क्या की गई है यहाँ पे कंपैरिजन, विदाउट लाइक और एज के, तो सिमिली होगा नहीं, किसी प्रकार का मानवीकरण नहीं किया गया है, ऑप्शन हो जाएगा मेटा पर, एलिट्रेशन यहाँ पे नहीं है। अब करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज वॉल्स हैव ईयर्स, दिस सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ, सी टेट का क्वेश्चन है कि इन दीवारों के क्या कान हैं, दीवारों के कान हो सकते हैं क्या, नहीं, पर्सोनिफिकेशन किया गया मानवीकरण दीवारों का, एंटीथेसिस यहाँ पे है नहीं, विरोधाभासी चीज़ें, मेटाफर तुलना नहीं की गई है, हाइपरबोल भी नहीं है, अतिशयोक्ति भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 27। व्हेन व्हाट इज एक्सपेक्टेड डज नॉट मैच अप विद रियलिटी आइदर वर्बली ड्रामेटिकली सिचुएशनली, दिस इज कॉल्ड एम्पीटेट का क्वेश्चन है दोस्तों, कोई चीज़ बोली जाए और वो रियलिटी से बिल्कुल ही मैच नहीं करती हो उसको क्या कहते हैं, तो एपीटेट तो रियलिटी को बताने के लिए एडजेक्टिव लगाया जाता है, तो ये नहीं होगा। टोन, टोन तो किसी प्रकार की हो सकती है, सैड टोन, ठीक है ना, किसी प्रकार का, ये तो एक विषय वस्तु है, तो ये नहीं होगा। आयरनी में बोला था आपको अभी, अपोजिट वर्ड बोला जाता है, जैसे घर का एग्जांपल दिया था, मटका तोड़ दिया तो बोला शाबाश, अब शाबाश में शाबाश ही नहीं दे रहे हैं, वो फील कराने के लिए भी तुमने गलती की है, तो ये जो रियलिटी है इसके साथ मैच नहीं होता है, जो बोली की चीज़ है उसको कहते हैं आयरनी व्यंग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 28 नंबर। एन एग्रेटेड स्टेटमेंट यूज टू हाइटन इफेक्ट सच एज माई ग्रैंडमा इज 900 ईयर्स ओल्ड इज कॉल्ड, कि इस प्रकार के एक्सग्रेटेड स्टेटमेंट बढ़ा चढ़ा कर कहने वाले स्टेटमेंट इफेक्ट डालने के लिए, जैसे कि मेरी दादी जी 900 साल की है, 900 साल बूढ़ी है, उसको क्या कहते हैं, तमिलनाडु टेट का क्वेश्चन है, उसको कहते हैं हाइपरबोल, बार बार आ रहा है क्वेश्चन, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 29। साउंड वर्ड सच एज बैंग बम बोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ, पी एस टेट का क्वेश्चन है, तो साउंड वर्ड्स भी इसने साथ में डाल दिया क्वेश्चन में, साउंड वर्ड्स को कौन डिफाइन करता है, वो होता है ओनोमेटोपेया, जैसे घंटी बोली
टन टन टन, तो टन टन वर्ड है ना, वो ध्वनि अनुकरणात्मक शब्द है जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओनोमेटोपेया। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि हरियाणवी में गण है छन छन बोल ले रे मेरी तागड़ी। अब जो तागड़ी छन छन बोल रही है, तो जो छन छन वर्ड है ना वो है ओनोमेटोपेया। और लड़की को वैसे क्या कहते हैं, प्रेम से कहते हैं मोटो, तो ओ मोटो यानी ओनोमेटोपेया क्या हो जाएगा, छन छन बोले तागड़ी, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, 30 नंबर। लेट ए मैन एक्नोलेज हिज ऑब्लिगेशन हिमसेल्फ हिज फैमिली हिज कंट्री हिज गॉड। यानी जब इंक्रीजिंग वे में चल रहा है, बढ़ते क्रम में हिमसेल्फ है देखो, फिर उसका परिवार, फिर उसकी देश, फिर उसका गॉड। या इंक्रीजिंग चल रहा है ना, जब इंक्रीजिंग क्रम चल रहा होता है उसमें क्या होता है, क्लाइमेक्स होता है। सिंडोक तो वही पार्ट टू होल, होल टू पार्ट, तो ये कोई नहीं है, इसमें आयरनी भी नहीं है, मेटाफर नहीं है, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, 31 नंबर। ऑन द सेम डे सी लॉस्ट हर फैमिली फॉर्चून हर मोबाइल। उसी दिन उसने अपना परिवार, परिवार के बाद उसकी किस्मत चली गई, किस्मत के बाद उसका मोबाइल खो गया। तो देखिए कि इसमें क्या चल रहा है, इसमें घटते क्रम में चीज़ें जा रही है, जैसे पहले उसकी फैमिली, फिर फॉर्चून और फिर उसका मोबाइल। तो घटते क्रम में क्लाइमैक्स से बिल्कुल उल्टा चलना है अपन को, एंटी क्लाइमैक्स। बस क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स में इतना ध्यान रखना, आपको भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की जो चीज़ें ना हो सकती है वो, ऐसे नहीं भी आप पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स लगाना है, नहीं, नेगेटिव चीज़ें भी आ सकती है, बस उनका क्रम ध्यान रखना है भी, कौन सा इसमें से बड़ा है कौन सा छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ए जेनरे ऑफ ड्रामा बेस्ड ऑन ह्यूमन सफरिंग्स मेनली द टेरिबल और सोरोफुल इवेंट्स दैट बीफॉल मेन करेक्टर इज नोन एज। ड्रामा के अंदर इस प्रकार की चीज़ जिसमें सफरिंग्स हो, सोरोफुल इवेंट्स हो, और लास्ट के अंदर क्या है, करेक्टर के ऊपर, मेन जो करेक्टर है उसके ऊपर पड़ जाए, तो वो होता है ट्रेजडी। ट्रेजडी में दुख पूर्वक चीज़ें होती है, कॉमेडी में हास्यास्पद चीज़ें होती है, आयरनी में व्यंग्य होता है, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा उसमें ये चीज़ नहीं होती। तो जैसे अपने मैकबेथ है, तो मैकबेथ के लास्ट के अंदर उसको सारी सफरिंग मिल जाती है, तो उसको तभी तो कहते हैं कि शेक्सपियर का महानतम एक ट्रेजडी है मैकबेथ। तो ऑप्शन ए उसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 33 नंबर। ए फेबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीड का क्वेश्चन है दोस्तों। फेबल होता है कथा, कथा के अंदर राइम तो हो नहीं सकती क्योंकि प्रोज में होता है फेबल, कथा प्रोज में। फेबल में क्या हो सकती है, शॉर्ट स्टोरी बिल्कुल हो सकती है, सोनेट क्योंकि प्रोज है, ये पोइट्री में होती है सोनेट, ये नहीं हो, नन ऑफ दीज ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, रीड का क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, 34 नंबर। ही इज नॉट ए बैड शॉट, हेयर करेक्ट डिवाइस इज यूज्ड। ही इज नॉट ए बैड शॉट, वह बुरा नहीं है। तो बिहार टेट का ये क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, एक लिटरेटर में होता है लिटोट्स, लिटोट्स में क्या होता है कि अफर्मेशन मेड बाय नेगेशन, यानी सकारात्मक चीज़ें पर प्रेशर देने के लिए डबल नेगेटिव लगा दिया जाता है, जैसे नोट भी लग गया और बैड भी लग दिया। ही इज नॉट बैड का अर्थ क्या हुआ कि वह बुरा नहीं है, यानी वह इसका अर्थ क्या था, ही इज ए गुड मैन, ही इज ए गुड शॉट। तो नोट ए बेड है, बेड भी नेगेटिव है और नोट भी नेगेटिव है, तो उल्टा बताने के लिए यहाँ पे नोट की जगह नो भी आ सकता है, नेवर भी, ए नेगेटिव वाला वर्ड कोई भी यूज हो सकता है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें कि डबल नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट। और ट्रांसफॉर्मेशन में आपने अच्छे तरीके से इसको देखा भी है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द फिगर ऑफ स्पीच सिंडोक। यू टेट का क्वेश्चन है, सिंडोक इसमें से कौन सा डिस्क्राइब करता है, टू कॉन्ट्राडिक्ट्री टर्म्स यूज टुगेदर, एक साथ कॉन्ट्राडिक्ट्री टर्म आ जाए, तो इसमें होता नहीं है, वो किस में होता है, ऑक्सीमोरॉन में। गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स, इसमें नहीं होता, किस में होता है, पर्सोनिफिकेशन में। कंपेरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, ये इसमें होता नहीं, किस में होता है, मेटाफर और सिमिली में। वेन ए पार्ट इज प्रेजेंटेड बाय ए होल और कन्वर्जली द होल इज प्रेजेंटेड बाय द पार्ट, ऑप्शन हो जाएगा सही, पार्ट टू होल, होल टू पार्ट बताने वाला डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सिंडो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, 36 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ऑक्सीमोरॉन, यूपी टेट का क्वेश्चन है दोस्तों। ऑक्सीमोरॉन बताना, ऑक्सीमोरॉन मैंने आपको बताया था कि अपोजिट वर्ड आ जाए एक ही चीज़ के लिए, उसको कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। ब्राइट लाइट, चमकीली रोशनी, तो कोई अपोजिट नहीं है। क्लस्टर बीन्स, फलियों का गुच्छा या ग्वार फली, तो इसमें कुछ नहीं है। डिफेनिंग साइलेंस, गगनभेदी चुप्पी। और मिस्टी आइज, धुंधली आंखें, गगनभेदी चुप्पी हो सकती है क्या,
गगन वेदी तो सोर होता है, कोई गगन वेदी जा रहा, तो उल्टा इसमें यूज किया गया है, इसलिए अपोजिट है। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, 37 नंबर। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन फॉलोइंग सेंटेंस। यूपीटेट का क्वेश्चन है, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास सब कुछ है। नथिंग और ऑल दो वर्ड साथ में आ गए, तो ओनोमेटोपेया जो ध्वनि वाले जो साउंड के वर्ड है वो तो है नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। ऑक्सीमोरॉन अपोजिट है ना नथिंग और ऑल, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट। सिमली यहाँ पे किसी प्रकार का नहीं है और किसी प्रकार को संबोधन नहीं किया गया, एपोस्ट्रोफी भी नहीं है, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, 38 नंबर। दैट ऑन द एसेज ऑफ यूथ डथ लाए। सी टेट का क्वेश्चन है, आपको अंडरलाइन जो फ्रेज है इसमें कौन सा लिटरेटर में वो बताना है। देट ऑन द ऐसे जो फिज यूथ डेथ लाइफ। पर्सोनिफिकेशन इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा, एलिट्रेशन इसमें बिल्कुल नहीं है, कोई रिपीट नहीं है, सिमली लाइक वाले वर्ड कोई नहीं है, बच गया मेटाफर। मेटाफर में आप एक बात ये भी ध्यान रखना, 90% मेटाफर में ऑफ यूज होता है। ऑफ दिख जाए और आपको कोई ऑप्शन बिल्कुल नहीं आ रहा, ऑप्शन में मेटाफर है, तो डी नंबर ऑप्शन कर देना आप सही। इसमें भी तुलना की गई है कि देट ऑन द ऐसे जो फिज यूथ डेथ लाइफ, कि वो क्या है यूथ की राह के ऊपर है, तो यूथ और एसेज की यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, अनकॉमन जो कंपैरिजन है वो, तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 239 नंबर। चूज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यूटेट का क्वेश्चन है, वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। जो विविधता है जीवन का मसाला है। जब इस प्रकार की चीजें भी आ जाए, जब एक चीज से दूसरे चीज को कोई एक क्वालिटी को ग्रहण किया जा रहा है, तो उसमें भी होता है मेटाफर। ओ बीच में लगाई हुई पीछे जो बात की अपन, तो बी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दे टेल ऑफ द सैडेस्ट थॉट्स। हरियाणा टेट का क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे स्वीटेस्ट सॉन्ग है वो है जो हमें हमारे सैडेस्ट थॉट्स को बताते हैं। तो स्वीटेस्ट और सैडेस्ट क्या हो गए, अपोजिट हो गए। अगर अपोजिट जब आ जाए तो आपको ऑक्सीमोरन और एंटीथेसिस के बारे में सोचना है। जब एक ही चीज़ के बारे में आ रहा है कि सेंटेंस में, तब वो ऑक्सीमोरन होता है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, द लाइन लाइक रूम मोन्यूमेंट ऑन डेजर्ट प्लेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लाइक वर्ड आ गया दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। 42, ओ लव माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज। ये छत्तीसगढ़ टेट का क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इसमें क्या है, एपोस्ट्रोपी, ओ लव, लव को संबोधन किया जा रहा है, तो बिल्कुल एपोस्ट्रोपी है इसमें। सिमली माई लव इज लाइक ए रेड, मेरा लव है और रेड रोज की तरह है, तो ये भी है इसमें। एलिट्रेशन देखिए, माई लव इज लाइक, लव लाइक आ रहा है, रेड रेड आर आर तीनों में आ रहा है, तो एलिट्रेशन भी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट। सभी है, तीनों के तीनों इसमें लिटरेरी टर्म्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 43। इन द लाइन्स गिवन बिलो द लिटरेरी डिवाइस मेटाफर इज यूज्ड। मेटाफर का यूज किया गया है, तो कौन सी लाइन है वो, बेटी बोटर बोट सम बटर। तो इसमें तो है एलिट्रेशन, यहाँ नहीं है मेटाफर। एज कोल्ड एज आइस में है सिमली। ए होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, एक गोल्डन डेफोडिल्स का समूह है, तो इसमें किसी प्रकार का मेटाफर नहीं है। इट इज़ द ईस्ट एंड जूलियट द सन, यह ईस्ट है और जूलियट का सन है, जूलियट को सन बताया गया है, तो मेटाफर होगा डी नंबर ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 44। इन सेक्स ऑन स्ट्रेंथ दैट अबे फ्रॉम रीड का क्वेश्चन है दोस्तों, ये सेक्स ऑन स्ट्रेंथ, सेक्स ऑन की जो ताकत के समय, दैट अबे फ्रॉम, अबे होता है विहार, चर्च, चर्च के जो जहाँ पे ये पादरी रहते हैं ना, वो अबे फ्रॉन्ड, वो जो चर्च है वो क्या होगी, क्रोधित होगी। चर्च क्रोधित कभी नहीं हो सकती है, तो चर्च का यहाँ पे अबे का क्या किया गया, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया गया, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आई मस्ट कन्फेस दैट इट इज माई क्वेस्ट आई फेल डिप्रेस्ड एंड रेस्टलेस। रीड का क्वेश्चन है दोस्तों, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द अबव लाइन। इस अबव लाइन में कौन सा लिटरेरी टर्म यूज किया गया है, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन तो किसी प्रकार का मानवीकरण किया नहीं गया है। एसोनेंस होता है वाउल साउंड का रिपीटेशन। आई मस्ट कन्फेस, क्वेस्ट, डिप्रेस्ड, रेस्ट, तो ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। मेटाफर इसमें कहीं नहीं है, एपिथेट कहीं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 46। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन गिवन बिलो। रीड का क्वेश्चन है, प्राइड गोथ फोर्थ ऑन हॉर्सबैक ग्रैंड एंड गे बट कम्स बैक ऑन फूट बैग्स इट्स वे। प्राइड है वो हॉर्स बैक पर गया, घोड़े की पीठ पर गया, बिल्कुल भव्य तरीके से, खुशी से, लेकिन वापस आया पैरों पर और
अपने तरीके से वो भीख मांग रहा था। तो प्राइड क्या होता है? गर्व। गर्व ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। गर्व का मानवीकरण किया गया, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 47 द्रविड वाज द वॉल ऑफ आवर क्रिकेट टीम। द्रविड क्या थे? हमारी क्रिकेट टीम के दीवार थे, यानी दीवार कभी हटती नहीं है, उसी तरीके से वो आउट नहीं होते थे। तो दीवार की जो है ना विशेषता द्रविड के अंदर थी, तो वो एक मेटाफर है यहाँ पे, तो मेटाफर ऑप्शन हो जाएगा बी। वैसे भी ऑफ भी आया, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंडियाज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी पास्ड अवे ऑन 16 अगस्त। द इटैलिक फ्रेज डिनोट टू, ये इटैलिक फ्रेज ये क्या डिनोट करती है? महाराष्ट्र स्टेट का क्वेश्चन है ये कि अटल बिहारी वाजपेयी 16 अगस्त 2018 को चले गए, उनका निधन हो गया। तो इसमें दोस्तों है यूफिज्म। यूफिज्म क्या होता है कि कोई भी डिसएग्रीबल चीज है ना उसको एग्रीबल वे में कहना। अब इसको ऐसे नहीं कह सकते अपने कि ये पास्ड अवे किसके लिए आया, डाइड के लिए आया कि अटल बिहारी वाजपेयी मर गए। अपने वैसे हमारे जो अपने घर के संस्कार है उसमें भी अपन सीधा इसको ऐसे नहीं कहते, गुजर गए कहते हैं ना। उसी तरीके से वर्ड आ जाए, जो वर्ड है ना दूसरा वर्ड यूज किया जाए, जो डिसएग्रीबल चीज़ है उसको एग्रीबल बनाने के लिए कोई दूसरा वर्ड यूज किया जाए उसको कहते हैं यूफिज्म। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, 49 नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस। महाराष्ट्र टेट का क्वेश्चन है दोस्तों, होप फॉर द बेस्ट, आप अच्छे की तो आशा करो और बुरे की आप करो प्रिपेयर, तैयारी करो। तो बेस्ट और वर्स्ट अपोजिट है ना दोनों, तो एंटीथेसिस और एंटीथेसिस में क्या है, अलग अलग होने चाहिए जो चीज़ कि आशा कि मैं तो आप अच्छा करो और तैयारी किसकी करो बुरे की, तो अलग, होप और प्रिपेयर भी अलग अलग चीज़ है ना, तो एंटीथेसिस में हो जाएगा। कीप योर माउथ क्लोज्ड एंड योर आइज ओपन, अपना मुँह तो आप क्लोज रखो और आइज अपनी ओपन रखो। तो माउथ और आइज भी अलग अलग है और क्लोज्ड और ओपन अपोजिट है, तो इसमें भी एंटीथेसिस हो जाएगा। Everyone was amazed at her foolish wisdom. सारे क्या थे, आश्चर्यचकित थे उसकी foolish wisdom पर। तो foolish और wisdom भी अपोजिट है, लेकिन ये एक ही चीज के लिए आए हैं, किसके लिए, हर के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, oxymoron हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वैसे दोस्तों ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा रॉन्ग है, क्योंकि जो oxymoron होता है वो स्पेशल जो टर्म है एंटीथेसिस की, एक स्पेशल टर्म है। मान लो अगर ऑप्शन में यहाँ पे ये डी नंबर ऑप्शन में अगर ए बी सी होता ना तो भी ये सही होता, अभी तीनों सेंटेंस फिर एंटीथेसिस के मान लिए सकते थे। हमें ये ध्यान रखना है कि आप इतना ही ध्यान रखो, सीधी सी ट्रिक तो लगभग इसकी यही बनती है, 90% तो क्या होता है भी जो अपोजिट वर्ड दूर दूर होते हैं ना उसमें तो एंटीथेसिस है, और पास पास होते हैं उसमें ऑक्सीमोरोन, लेकिन 90% ये काम करता है। 10% में अपने एक पीछे एक एग्जाम्पल रह गया, वो दोबारा आप गौर करोगे ना तो उसमें दूर दूर है लेकिन फिर भी उसमें ऑक्सीमोरोन है। तो आप इतना ध्यान रखो, अभी एक चीज़ में जब एक चीज़ के लिए अपोजिट वर्ड आए तब तो ऑक्सीमोरोन लगाना है, और जब एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए अपोजिट वर्ड आए तो एंटीथेसिस लगाना है। अब करते हैं अपन दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन अपना, ही हैज मैनी माउस टू फीड, पिक द करेक्ट डिवाइस फॉर द अबव सेंटेंस। उसके बहुत सारे मुँह है खाने के लिए, ही हैज मैनी माउस टू फीड, खिलाने के लिए बहुत सारे मुँह है। तो क्या समझे आप, एपोस्ट्रोपिक संबोधन नहीं हो रहा है, ऑक्सीमोरोन किसी प्रकार का अपोजिट वर्ड यहाँ पे है नहीं, सिंडो पार्ट टू होल, होल टू पार्ट, यानी यहाँ पे जो मैनी माउथ्स है इसका अर्थ है मैनी मेंबर्स, उसके खिलाने के लिए बहुत सारे सदस्य है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यहाँ पे पार्ट है माउथ उसको बताया गया है, पूरे मेंबर्स का के लिए यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, ये माउथ है ना मेंबर्स को डिफाइन कर रहा है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चंस। अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल रहने वाले मेरे एग्जाम में, तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट डालकर जाएं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए और ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए। और अगर आप इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान को ज्वाइन करें, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, मेहनत करते रहिए, आपको ज़रूर फल मिलने वाला है। थैंक यू दोस्तों।